इन फ्यूचर अगर आपको कोई वेब सीरीज करने का मौका मिले तो किस तरह की वेब सीरीज करना चाहेंगे? मैं बना रहा हूँ वेब सीरीज़, आपको देखने को मिलेंगी, बहुत ही एक्साइटिंग वाली बना रहा हूँ, तो आई थिंक इट्स गोइंग बी वेरी नाइस। मैं ड्रामा होता है या कॉमेडी होता है, इससे पहले मेरे दो वेब सीरीज़ क्लास ऑफ 2017 और रागिनी MMS जिस पर मैंने लास्ट काम किया था वो आई, आई थिंक रागिनी और ने काफ़ी अच्छा काम किया है, काफ़ी अच्छे नंबर्स भी लाए हैं, तो इट्स वेरी एक्साइटिंग टू सी दैट वर्क इज़ बीइंग अप्रिशिएटेड। हर समय अलग अलग जॉनर के अलग अलग शोज़ बन रहे हैं, एक तरफ हक से होता है, एक तरफ यू हैव क्लास ऑफ 2017, एक तरफ आपका टेस्ट केस होता है। सो वॉट इज़ ब्यूटिफुल अबाउट ऑल्ट इज़ दैट दे आर गेटिंग वेराइटी, तो आपकी मॉम भी देख सकते हो, आप भी देख सकते हो, हर तरह के शोज़ बनाए जा रहे हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम फॉर स्टोरी टेलिंग यार, हर किसी को मौका मिल रहा है। किसके साथ दिखाई देंगे इन वेब सीरीज़? किसके साथ दिखाई देंगे? अभी बन जाएगा ना तो मैं आपको बताऊंगा, अभी बनने दो, पहले लिख रहे हैं हम लोग, इस वक्त लिख लेंगे, फिर हम सुनाएंगे उस इंसान को और बाकी लोगों को, फिर जब वो साइन हो जाएगा फिर हम अनाउंस करेंगे कि यस दिस इज द शो वी आर मेकिंग। डू यू हैव एनी प्लान्स ऑफ एक्टिंग इन एनी वेब सीरीज? सी व्हेन इट कम्स टू फेसिंग द कैमरा, यस आई डू हैव प्लान्स ऑफ फेसिंग द कैमरा, बिकॉज जो मैंने किया वो मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत पसंद आया हूँ और मुझे काफ़ी अच्छे ऑफर्स मिल रहे हैं, लेकिन बिकॉज मेरी प्रायोरिटी बड़ी क्लियर है कि मुझे डायरेक्शन, प्रोड्यूसिंग और राइटिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है और वो मैं करता आ रहा हूँ, और एक्चुअली मुझे बहुत पैसे मिलते हैं वहाँ से, तो आई एम सॉरी एक्टिंग मुझे इतना ज़्यादा फाइनेंशियली नहीं देता जितना कि मेरी बाकी थॉट प्रोसेस मुझे देती हैं, तो बट आई एंजॉयड माई स्टिंट एट बिग बॉस, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई विल समहाउ ऑल्सो डू सम बिट ऑफ थिंग्स ऑन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।